आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अंबिकापुर में कन्या क्रीड़ा परिसर की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। छेड़छाड़ के आरोप क्रीड़ा परिसर के अधीक्षिका के पति पर लगे हैं। कन्या क्रीड़ा परिसर की छात्राएं डरे सहमे कलेक्ट्रेट पहुंची और उन्होंने बताया कि हमारे साथ कई दिनों से अधीक्षिका के पति के द्वारा छेड़छाड़ की जा रही है और इसकी शिकायत करने पर अधीक्षिका के द्वारा कहा जाता है कि ये तुम्हारा भ्रम है, जिसके बाद कोई कार्यवाही नहीं होती है। साथ ही अधीक्षिका का पूरा परिवार क्रीड़ा परिसर में ही रहता है। छात्राओं ने तत्काल अधीक्षिका को बदले जाने की मांग की है। जी, हमारे क्रीड़ा परिसर में है, जो हमारे हॉस्टल वार्डन रहती है उसके साथ, हमारे हॉस्टल वार्डन के साथ उसके पूरा फैमिली रहता है। उसका फैमिली में उनके जो पति हैं उनका व्यवहार बहुत गलत है, देखने का नजरिया भी बहुत गलत है। हम लोग को हॉस्टल वार्डन चेंज चाहिए, मतलब दूसरी हॉस्टल वार्डन चाहिए। क्यों, क्या हो गया? क्योंकि हॉस्टल वार्डन मतलब हम लोग को खाने पीने में भी हम लोग को उतना सुविधा नहीं है जितना होना चाहिए। हम लोग खेल वाले बच्चे भी हैं और उनके पति का भी मतलब उनका व्यवहार है ठीक नहीं है। डिप्टी कलेक्टर चंद्रकांत ध्रुवे के पास पहुंची छात्राओं ने अपनी आपबीती बताई तो उन्होंने तत्काल कार्यवाही करते हुए अधीक्षिका को कन्या क्रीड़ा परिसर से हटा दिया है और विभागीय जांच के बाद अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। डिप्टी कलेक्टर ने बताया कि अधीक्षिका के परिवार को रहने की अनुमति ही नहीं होती है। वहीं पिछले दिन ही आदिवासी आयुक्त से छात्राओं ने भी शिकायत की थी, जहां कन्या परिसर में पढ़ाने वाले शिक्षक के द्वारा भी छेड़छाड़ की जाती है, जिसकी शिकायत पर शिक्षक एरियल इक्का को हटा दिया गया था। पहले क्रीड़ा परिसर की लड़कियां आई हैं अभी, और पहले कन्या परिसर की लड़कियां कुछ बताई थी कि एक सर एरियल इक्का जो है थोड़ा सा उचित व्यवहार नहीं करते हैं, तो मैंने जिला शिक्षा अधिकारी को तुरंत लिखा कि इनको यहाँ से हटा दिया जाए, इनका व्यवहार ठीक नहीं है, तो उनको कल ही हटा दिए हैं। हाँ, इन लोग क्या, इस क्रीड़ा परिसर अंबिकापुर के बच्चे हैं, इनका शिकायत है कि वहाँ की अधीक्षिका जो है वो उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, खाने पीने ठीक से नहीं देती, और ऐसी इनका उनके पेरेंट्स आते हैं उनको उनका भी व्यवहार उनसे अच्छा नहीं रहता है, और उन लोग चाहते हैं कि उसको हटाया जाए। हाँ, हस्बैंड के बारे में भी उन लोग आवेदन दिए हैं, बताए हैं कि वो उसका नज़रिया ठीक नहीं है, तो हम सहायक आयुक्त को बोल दिए तत्काल उनको चेंज करने के लिए। बहरहाल इस जिले में ऐसे कई छात्रावास हैं जहां अधीक्षिका का पूरा परिवार या पति रहता है। देखना होगा कि जिला प्रशासन इस ओर ध्यान देता है या नहीं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।